और डे हमारे पास है आज ट्यूसडे। आपने चैप्टर नंबर 1 लिखना है, उसके सामने नीचे वाली लाइन में आप लिखेंगे पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग, अपने चैप्टर का नेम पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग। पीपी जो था उसमें वो लड़की का नेम था, वो उस मेन कैरेक्टर थी। लॉन्ग स्टॉकिंग जो उसने लंबी लंबी अपने सॉक्स पहने हुए थे, ठीक है। आज हमने इसके वर्ड्स सेंटेंसेस करने हैं, कल हमने इसके वर्ड्स मीनिंग्स किए थे। फर्स्ट वर्ड था हमारे पास करेज। करेज कहते हैं हौसला। वी शुड वर्क विद करेज, हमें हौसले या हिम्मत के साथ काम करना चाहिए। रिमार्केबल, याद रहने के जो काबिल हो। हिज परफॉर्मेंस इज रिमार्केबल, यानी कि उसने जो परफॉर्मेंस दी किसी फंक्शन में तो वो याद रहने के काबिल है जो उसने वहां पे एक्ट किया होगा। लवली, प्यारी। माई सिस्टर इज वेरी काइंड एंड लवली, मेरी बहन बहुत रहमदिल और प्यारी है। स्ट्रेंज, अजीब। His attitude is very strange, उसका रवैया बहुत अजीब है। Attitude कहते हैं रवैये को। Introduce, Aisha introduce herself, introduce मतलब तारुफ करवाना, अपने बारे में बताना। Aisha ने अपना तारुफ करवाया या Aisha ने अपने बारे में बताया। ये words and sentences आपने अपने copies में लिखने हैं और साथ में आपने याद भी करने।